फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि दबी हुई नस होना या हाथ पैरों में सुन्नपन होना, नसों में ब्लॉकेज होना, इन सभी का इलाज सिर्फ एक ही चीज के द्वारा किया जा सकता है। इसमें अलग अलग दवाई लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आपके 5 से 7 मिनट जरूर लगेंगे इस सारी जानकारी को लेने के लिए, तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी से अच्छा है जानकारी ना ली जाए, पूरी जानकारी ली जाए ताकि पूरा फायदा आपको हो सके। दोस्तों, अगर आपकी नसों में कमजोरी आ गई है, नसों में दर्द हो रहा है, नसों में ब्लॉकेज हो रही है, उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, सीढ़ियाँ चढ़ने में उतरने में तकलीफ हो रही है, सांस फूल रही है, चलते हुए नसों में खिंचाव हो रहा है, पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, तो ऐसे में ये वीडियो सभी के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ ऐसा घरेलू उपाय शेयर करने वाली हूँ जिसकी मदद से ये सारी की सारी तकलीफें जड़ से खत्म हो जाएंगी। नसों में दर्द है, ब्लॉकेज की परेशानी है, जोड़ों में दर्द रहता है, मांसपेशियों में खिंचाव रहता है, तो ये सभी समस्याएं पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, आपकी नसें कमजोर है या नहीं ये कैसे पता कर सकते हैं? हमारी जो नसें होती हैं, ये खून को मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए, साथ ही जरूरी जानकारी शरीर के अंगों तक पहुंचाने के लिए कई कोशिकाओं का इस्तेमाल करती है। ऐसे में जब नसों में ब्लॉकेज आती है या नसें कमजोर हो जाती हैं, तो शरीर में कई परेशानियां शुरू हो जाती हैं। हमें शरीर में नसों में और हड्डियों में दर्द का सामना करना पड़ता है, जैसे कि हार्ट अटैक आ जाना, अचानक से चक्कर आ जाना, शरीर में कमजोरी महसूस होना, डायबिटीज हो जाना, गठिये का दर्द होना, ट्यूमर हो जाना, यह सारी समस्याएं नसों की कमजोरी की वजह से होती हैं। इन वजह से आपके सिर में दर्द होना या चिड़चिड़ापन महसूस होता है। आइए अब हम जानते हैं नसों की कमजोरी के क्या क्या लक्षण होते हैं। दोस्तों, नसों में कमजोरी आने पर हाथ पैरों में सुन्नपन होना, झंझनाहट होनी, ये महसूस होता है, पैरों में भारीपन महसूस होता है, ये सारी समस्याएं नसों में कमजोरी आने के लक्षण है। नसों में कमजोरी तभी आती है जब नसों में ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता या फिर विटामिन B12 और फॉलिक एसिड भी शरीर में हो जाता है। अगर आपको लंबे समय से माइग्रेन की समस्या है या सिर में दर्द बहुत लंबे समय से रहता है, तो आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि नसों में कमजोरी होने के ये कारण है। ब्लड प्रेशर का बढ़ना, रात में नींद नहीं आना, शरीर में खून की कमी होना, दिल की धड़कन का तेज होना, अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपके शरीर में नसों में कमजोरी आनी शुरू हो गई है। तो इसीलिए समय रहते इसका इलाज जरूर करवा लें। आज जो घरेलू उपाय आपको बताने जा रही हूँ, इसे आप जरूर फॉलो करिएगा। तो आइए मैं अब आपको बताती हूँ एक बहुत ही जबरदस्त घरेलू नुस्खे के बारे में, जिसका इस्तेमाल आपको रोजाना जरूर करना है नसों की ब्लॉकेज को दूर करने के लिए, खून में बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकने के लिए और बुरे कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर करने के लिए। ये जबरदस्त है। इसके लिए सबसे पहली चीज हमने जो लेनी है वो है साबुत धनिया। इसको हम मसालों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये नसों की ब्लॉकेज को खोलने के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, ये थायराइड को ठीक करता है वो ये अलग बात है, लेकिन ये हमारी नसों को भी खोलता है। ये जो मैं उपाय आपको बताने जा रही हूँ, गर्मियों के मौसम में आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर दूसरी चीज जो ले रहे हैं वो है बड़ी इलायची, यानी काले रंग वाली इलायची। दोस्तों, हम बड़ी वाली इलायची यानी काली इलायची का इस्तेमाल करेंगे। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। बड़ी इलायची ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है, नींद न आने की समस्या को दूर करती है, शरीर में खून की कमी को दूर करती है, एनीमिया की प्रॉब्लम को दूर करती है। इसके अलावा ये किडनी को डिटॉक्स करती है। इसके अलावा ये गैस, एसिडिटी की समस्या को भी दूर करती है। शुगर पेशेंट भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या में भी आपको आराम मिलेगा। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। यहाँ पर अगली चीज जो ले रही है वो भी बहुत साधारण है, वो है लौंग। लौंग के अंदर औषधीय गुण भरपूर मात्रा में है। ये शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं, जिसकी वजह से नसों में मजबूती आती है, बंद नसें खुल जाती हैं, नसों में दर्द होना, सूजन होना, ये दूर हो जाता है। साथ ही साथ ये डायबिटिक पेशेंट के लिए रामबाण औषधि की तरह काम करती है लौंग। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में लौंग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन गर्मियों के मौसम में इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना चाहिए। आप लिमिट में करें। आपको बताया जाएगा कि एक इंसान ने इसका इस्तेमाल कितना करना है, लेकिन जो मैं आपको आज तरीका बताने वाली हूँ, इस तरीके से आप गर्मियों के मौसम में इसका लिमिटेड इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, आपको 100% फायदे मिलेंगे। हमने यहाँ पर लेना है एक कांच का गिलास और इसके अंदर डालनी है एक बड़ी इलायची जो काली वाली है, उसे कूट कर डाल दीजिए। इसके अंदर हमने एक लौंग जो होता है वो भी कूट कर डाल देना है। दोस्तों, इसके अलावा डालना है दालचीनी की, सिर्फ 2 चुटकी दालचीनी पाउडर का इस्तेमाल करना है। शरीर के लिए दालचीनी बहुत फायदेमंद होती है। दोस्तों, शरीर में ब्लड फ्लो को बेहतर करती है, नसों में मजबूती लाती है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है उसको दूर करती है, हड्डियों में होने वाले दर्द को दूर करती है, शुगर पेशेंट के लिए काफी फायदेमंद है, ये शुगर को बैलेंस करती है,
दोस्तों, इन तीनों चीजों को हम अच्छे से कूट लेंगे और इसे हम कांच के गिलास में डाल देंगे। साथ ही इसमें हम डालें एक चम्मच दही के बीजों का। आपको लगभग 300 से लेकर 400 ml पानी लेना है। इसे रात भर के लिए भिगोकर इस तरीके से चारों के चारों औषधियों को छोड़ देना है ताकि चारों औषधियों के गुण इस पानी में चले जाएं। अब आपके मन में ये आएगा कि इसकी तासीर कैसे होगी। जब ये चारों चीजें आपस में मिक्स होगी तो नॉर्मल सी तासीर होगी, न गर्म होगी न ठंडी होगी। रात भर के लिए आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। सुबह उठकर आपने इसे हल्का सा गर्म कर लेना है और इसे गिलास में छा लेना है। नॉर्मल टेम्परेचर पर जब आ जाए तो आपने सुबह सुबह खाली पेट इसका सेवन करना है। इसको बिल्कुल ठंडा करके इस्तेमाल नहीं करना, यानी आपने गुनगुना ही इस्तेमाल करना है। दोस्तों, आप इसके अंदर आधा चम्मच शहद मिक्स कर सकते हैं, लेकिन डायबिटिक पेशेंट है तो किसी भी तरह का शहद, गुड़ या मीठे का इस्तेमाल, मिश्री का इस्तेमाल आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आप इसे एज इट इज ही सुबह खाली पेट सिप सिप करके पी लीजिए। बिस्तर से उठते साथ आपने इसी पानी का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, उसके बाद आप किसी और पानी को पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं, लेकिन सुबह उठते साथ इसी का इस्तेमाल करना है। पर ध्यान दीजिएगा, प्रेग्नेंट महिला ने इसका इस्तेमाल नहीं करना, दूध पिलाने वाली महिला ने इसका इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा जिनकी एलोपैथी की दवाई चल रही है वो इस रेमेडी को फॉलो करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें कि आपको अगर इस तरीके की कोई तकलीफ है तभी आप इसका इस्तेमाल करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें तकलीफ नहीं होती, हम किसी और चीज की दवाई ले रहे होते हैं, हमें नसों से संबंधित कोई तकलीफ नहीं होती, फिर हम इस रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं और किसी मेडिसिन के साथ ताकि नुकसान ना हो सके। इसके अलावा सुबह सुबह आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप वॉक जरूर कीजिए। अगर आप वॉक भी नहीं कर सकते तो घर पर चेयर है, चेयर के सहारे कदमताल ही कर लीजिए, यानी कि बॉडी की मूवमेंट जरूरी है। इसके अलावा विटामिन B12 और फॉलिक एसिड वाली चीजों का सेवन जरूर कीजिए, यानी कि दूध और दूध से बनी चीजों का सेवन कीजिए। अगर आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड कम है, विटामिन B12 भी कम है, तो आप अलसी का सेवन जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये अलसी के अंदर विटामिन B12 और फॉलिक एसिड होता है जो नसों को मजबूती देता है, हाथ पैर में सुन्नपन की समस्या को दूर करता है, ब्लड फ्लो को अच्छा कर देता है। भूनकर इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत आसान है, आधा चम्मच ही इस्तेमाल करना है। भुनी हुई अलसी का पाउडर बनाकर पानी में डालकर या फिर किसी सैलेड के ऊपर डालकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नसों में ब्लॉकेज को दूर करेगा, बुरे कोलेस्ट्रॉल को भी बॉडी से बाहर कर देगा। दोस्तों, ये जानकारी इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।